आज हम बनाएंगे ग्वार की फली की सब्जी। ये 1 kg ग्वार फली थी जिसमें से 100 ग्राम के करीब इसमें से वेस्टेज निकला होगा। एक विसल में इसे बॉईल करके थोड़ी सी नमक डाल के इसे अभी ठंडी कर लिए हैं। 6 आलू मीडियम साइज़ के जिसको इस ऐसे पीसेस में काट लिया है। दही लेंगे 2.5 टेबल स्पून, 2 टमाटर, मिर्च आप अपने तीखेपन के अनुसार लीजिए, 2 सूखी मिर्च तड़के के लिए। मसाले में लेंगे 3 टेबल स्पून दरदरा कुटा हुआ लहसुन, 2.5 टेबल स्पून के करीब सरसों, 2.5 टेबल स्पून धनिया, 1 टेबल स्पून नमक और 1/2 टेबल स्पून हल्दी और हींग ली है 2 चुटकी। यहाँ पर कढ़ाई में हमने 25 ग्राम के करीब मस्टर्ड ऑयल डाल करके उसे अच्छे से गर्म कर लिया है। उसमें हींग डाल दिए, हींग के बाद इसमें लाल मिर्च डाल दिए। लाल मिर्च और हींग के तड़कने के बाद इसमें हम डाल देंगे लहसुन। अब हम आलू डाल देंगे। आलू को 3 मिनट तक फ्राई करके अब सारे मसाले डाल देंगे, सरसों, धनिया, हल्दी, नमक, इन्हें डालकर अब फ्राई करेंगे। अब हमने जो 2 टमाटर लिए थे उन्हें काट के इसमें अब डाल देंगे, बारीक बारीक काट के डाल देना। सारे टमाटर ऐड कर दिए, अब इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। अब मसाले और टमाटर के साथ आलू को फ्राई करेंगे करीब 5 मिनट तक। अब इसमें दही चला जाएगा। दही वाले कटोरी में थोड़ा पानी डाल के उसे इस सब्जी में डाल दिए हैं, सभी को अच्छे से मिक्स कर देंगे। अभी हमने इसमें मिर्च भी ऐड कर दी है, टोटल 6 मिर्चें, आप अपने तीखेपन के अनुसार ऐड कीजिएगा। थोड़े देर के लिए कवर कर देंगे। टोटल 4 मिनट हो गया। सेपरेट हो चुका है, सब्जी अच्छे से फ्राई हो चुका है। अब हम इसमें ग्वार की फली ऐड कर देंगे। सारी ग्वार की फली ऐड कर दिया, सभी को अच्छे से मिक्स कर देंगे। आप इस समय नमक भी टेस्ट कर सकते हैं, अगर कम लगे तो डाल लीजिएगा। जैसे अभी हमें कम लगा है तो हम थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे। नमक को मिला देंगे और 5 से 7 मिनट तक इसे फ्राई करेंगे। 3 मिनट हुए फ्राई होते हुए। अभी इसे हमें और फ्राई करना है। ग्वारफली का कलर थोड़ा चेंज हो जाएगा, आलू अच्छे से पक जाएंगे, तब तक हमें इसे फ्राई करना है। अच्छी सी एक खुशबू आएगी। फ्राई करते करते हमें 7 मिनट हो गया है, बहुत अच्छी खुशबू भी आ रही है, सब्जी बनकर रेडी हो गया है। तो चलिए अब हम इसे डिश आउट कर लेते हैं। देखिए ग्वारफली की सब्जी डिश आउट कर लिए हैं। इसे आप चावल, रोटी, पराठा किसी के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।